उससे प्रॉमिस भी किया कि वह उसको उसकी सारी प्रॉपर्टी लौटा देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को वो उस कुटिया में छोड़कर बाहर आया और वो सन्यासी को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू द हिज क्वेश्चंस। वहाँ से जाने से पहले वो अपने क्वेश्चंस का वापस आंसर जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, वो अपने घुटनों के बल बैठकर जो क्यारियाँ बनाई थी, जो बैट्स बनाई थी, उसके अंदर बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माय क्वेश्चंस वाइज मैन। तब जो राजा है वो उसके हर्मिट के पास, सन्यासी के पास जाता है और बोलता है कि मैं लास्ट बार आपसे भीख मांग कर बोल रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तब वो हर्मिट जो बोलता है, वो बोलता है यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him। वह बोलता है कि तुमको तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिल गया है, और वह वैसे ही बैठा रहता है और वो राजा को ऊपर देखता है, जो राजा वहाँ पर खड़ा रहता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, ये कैसे हो सकता है, इससे आपका क्या तात्पर्य है। Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। तब जो सन्यासी है वो बोलता है तुमने देखा नहीं, ऐसा वो उसको जवाब देता है, हर्मिट जो है वो उसको जवाब देता है राजा को कि तुमने देखा नहीं, अगर तुम मेरी कमज़ोरी को नहीं देखते कल और तुम ये बेड्स नहीं खोदते मेरे लिए तो तुम वापस चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी। और तब वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता, तब तुम मेरे साथ में तो थे नहीं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय कौन सा था, जब तुम मेरे लिए ये बेड्स क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और मैं जो हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था उस समय, क्योंकि तुमने अपना काम किया। आफ्टरवर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वही था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर तुम उसके घावों की मरहम पट्टी नहीं करते तो वह आदमी मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वह सबसे सही काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। और याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट समय वही होता है जो समय अभी है, मतलब जो अभी का समय है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि वही समय होता है जब हमारे पास पावर होती है कुछ काम को करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन हु आर विथ अ पर्टिकुलर मूवमेंट। और सबसे महत्वपूर्न व्यक्ति हम सभी है, क्योंकि हम सब जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हम काम कर रहे होते हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम सभी है, क्योंकि भविष्य तो अविदित है और हम सबको भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है। एंड वेदर वी विल मीट एनी एल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। कि हम कब किससे मिलें सबसे महत्वपूर्ण काम है, और दूसरों का भला करना, क्योंकि हम इस संसार में इसी नेक काम के लिए आए हैं। थैंक यू। आई होप आप लोगों को
ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।